brought to you by Physics Wala. हमारे साथ है, यूपीएससी टॉप किया है, टॉपर होना, कभी आप पढ़ते होगे, सुनते होगे, आज आप खुद हो। हाँ जी, तो बहुत ही अनबिलीवेबल फीलिंग है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर एवरीवन हु हैज कंट्रीब्यूटेड इन दिस जर्नी। किसने किसने किया? पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स ने, जिन्होंने मुझे गाइड किया जर्नी में, टीचर्स ने, तो उन सभी के लिए मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ। अच्छा, आप जेएनयू से हैं, जामिया से भी आपने कोचिंग की, किस तरीके से ये जो एक जर्नी रही एकेडमिक और उसके बाद एक्सेलेंस की जर्नी, ये कैसी रही? मैंने ग्रेजुएशन अपना हिस्ट्री से किया था, सेंट स्टीफन से। उसके बाद जेएनयू में मैंने एडमिशन लिया था मॉडर्न हिस्ट्री में। आई कुडंट कंप्लीट द एंटायर कोर्स, जिसके बाद मैंने यूपीएससी लेने का डिसीजन लिया था। तो यहाँ पर जामिया में आरसीए में मैंने जो रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी है वहाँ पर गाइडेंस ली। तो आई थिंक हर इंस्टीट्यूशन ने मुझे काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट किया है। अच्छा, जब खबर मिली कि श्रुति शर्मा टॉप नंबर वन, फीलिंग जरा एक्सप्लेन करें, किससे साझा किया, कैसे रहा, स्माइल कैसी थी? काफ़ी दो दिन से मैं लगातार ऐसे हो रहा था कि आ जाएगा रिजल्ट, आ जाएगा रिजल्ट। तो जब फाइनली आया और हाथ में फ़ोन ही था, तो पहला नाम देखा तो बिलीव नहीं हुआ, दो तीन बार चेक किया, काफ़ी डिसबिलीव था। पर सबसे पहले मैंने मतलब पेरेंट्स को ही बताया, मम्मी को बताया, अम्मा को बताया, तो उनकी खुशी देखकर काफ़ी खुश महसूस हुआ।